तो गाइस ये जबड़ा देख रहे हो इतना लटरा कर रखा है, मतलब ये तो बस नॉर्मल है, और आगे आप जाओगे ना बाजार में भी आपको बहुत जबड़ा देखने मिलेगा। मतलब बाहर से लोग आएंगे देखेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कहेंगे ना साला जंगली है लोग। तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। उधर उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर देख। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, देवी और सजनों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है 15 अगस्त 2020। आज से ठीक 73 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, पर क्या हम सच में आज़ाद हो चुके हैं? यार मुझे तो नहीं लगता। 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद हमें ये आज़ादी मिली थी, पर यार ये आज़ादी हमें किस काम की जब हम अपने भारत को ही साफ नहीं रख सकते हैं? यार बस हमारे एरिया का बात नहीं बोल रहा, हमारे इंडिया में बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ बहुत सारी गंदगी है और इसे कोई साफ़ नहीं करता। तो यार आज हमसे जितना होगा मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं सब मिलके साफ़ करेंगे, जितना हो सकेगा हम साफ़ करेंगे। यार मैं आप लोगों से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज 80% से ज़्यादा के इंडियन के मोबाइल में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का स्टेटस देखोगे, या 100% श्योर है 80% से ज़्यादातर के मोबाइल में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का स्टेटस होगा ही होगा। पर यार बस स्टेटस लगा देने से कोई इंडियन नहीं होता, वो अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग होता है ना, इंडियन होने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए, इंडिया दिल में होना चाहिए। सो भैया आज मुझसे और मेरे दोस्तों से जितना होगा हम साफ करने की कोशिश करेंगे, और बाकी को बाकी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। पहले तो इंट्रो दे देते हैं इससे जोश आएगा। हेलो नमस्ते और सब गैंग की हालचाल, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट सो भैया अभी बज रहे हैं 10:18 हो रहा है यार, हमने सुबह को 5 बजे इंट्रो शूट कर लिया और सब झाड़ू उड़ू इंतजाम करते करते थोड़ा टाइम लग गया, और सारे दोस्तों को आते आते थोड़ा टाइम लग गया, इसी कारण थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, 10 बज रहे और अभी है सही माहौल, अभी हम सब मिल के निकलेंगे और सारा जगह जहाँ जहाँ जबड़ा देखेंगे सब साफ करेंगे, आज जितना हो सकेगा सब साफ करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे झाड़ू उड़ू इंतजाम हो चुका है, और सो गाइस आज जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे हमारे जितने भी दोस्त हैं, सो भैया सबसे पहले मैं आप लोगों से उनसे इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आज का धमाकेदार ब्लॉग वीडियो जो भी आप बोलो कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले मिला दूं कमलेश से, कृष्णा आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियो में देखा ही होगा, भाई का नाम है कृष्णा और ये हमारा कैमरामैन, और बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज हमारे साथ वीडियो में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो भैया सबसे पहले एक एक से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। सो यार सबसे पहले भाई नाम बता दे अपना। गौरांगो चुतिया। आई सवास भाई। संजय खोरी। आई सवास। अभिजीत द्वारा। आई सवास। अभय दास। आई सवास। सोनू यादव। सो भैया सारे भाई लोग रेडी हो चुके हैं और आज बवाल मचाने वाले, सच बता रहा हूँ। आज मोहन भाई अपने गांव को दिखा देंगे कि हमारे यहाँ भी कोई पागलपंती लड़का लोग निकल चुका है। यार देश के लिए अगर पागलपंती करते हो ना तो यार वो दिल से निकलता है, तो उसके लिए आज पागलपंती हम करेंगे। सारा कुछ हो चुका है और हम अभी निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं मार्केट में और जाके वहाँ पे जितना भी जबड़ा उबड़ा दिखेगा सब साफ उफ करेंगे और बढ़िया से जितना हमसे हो सकेगा आज और साफ करेंगे। यार अगर हम सब मिलके अगर एक घंटा भी अपना एरिया, ज़्यादा नहीं यार, आपको मेरे तरह रास्ते में साफ करने नहीं बोल रहा, अगर आप अपने एरिया अगर साफ करोगे ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 हफ्ते में पूरा इंडिया क्लीन हो जाएगा। तो यार करो ना यार, क्या कुछ शर्म की बात नहीं है ना, अपना इंडिया अपना देश है, वो कहते हैं ना भारत हमारा देश है, तो अपना देश अपना घर को साफ करने में किस चीज़ की शर्म, किस चीज़ की बुराई। हाँ यार कर दो यार, साफ करो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो भैया फुल ऑन जोश के साथ तो आज का फंडा ब्लॉग रैपचिक ब्लॉग कंटिन्यू करते, चलो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चलो फाड़ते हैं आज इतना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम भी कहो
सो गाइस ये जबड़ा देख रहे हो यार, जितना भी जबड़ा आता है लोग यहीं पे फेंक देते हैं, यहाँ पे एक भी कूड़ेदान नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई बीमारी होने का संभावना नहीं है क्या? जबड़ा देख रहे हो इतना लेटरा कर रखा है, ये मोहनबाड़ी एयरपोर्ट रोड है और मोहनबाड़ी एयरपोर्ट रोड का हालत देख रहे हो, मतलब ये तो बस नॉर्मल है और आगे आप जाओगे ना बाजार में भी आपको बहुत जबड़ा देखने मिलेगा यार। मोहनबाड़ी एयरपोर्ट रोड ऐसा होता है क्या, बाहर से लोग आएंगे देखेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कहेंगे ना साला जंगली है लोग। यार हमारा देश है, हमें इसे साफ करना चाहिए और इसमें हम लोगों को किस बात का शर्म यार, पूरा बिंदास साफ करना चाहिए। अगर आप पबजी खेलते हुए शर्म नहीं करते या कुछ भी करते हुए शर्म नहीं करते तो साफ करने में, अपना घर अपना देश साफ करने में आपको किस चीज़ का शर्म। तो यार जितना भी गंदगी देख रहे हो ना यार, हमसे जितना हो सकेगा, हमारा टीम से जितना हो सकेगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो बस भाई आपसे बस इतना ही गुजारिश है कि आप लोग गंदगी मत फैलाओ। अगर गंदगी फैलाते हो ना, अगर गंदगी फैलाते हो या फिर जो भी गंदगी फैलाते हैं ना, तो आप लोग उनको डायरेक्ट मना करो, क्योंकि आपका देश है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको पूरा अधिकार बनता है उन्हें मना करने के लिए, चाहे आप वो उम्र में बड़े हो या छोटे हो, आपका पूरा राइट बनता है। तो भैया हमसे जितना होगा हम करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। यार आप लोगों से भी बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग भी साफ सफाई करो और चलो यार धमाल मचाते हैं। सो भैया फाइनली मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ का हालत क्या देखोगे आप? तो भैया यही है हमारे यहाँ का मोहनबाड़ी मार्केट और ये जो एरिया देख रहे हो यही है मोहनबाड़ी मार्केट, मोहनबाड़ी तिनियाली, और तिनियाली के पास देख रहे हो जबड़ा, कितना सारा जबड़ा है, मतलब क्या बताऊँ भैया आप लोगों को, आगे दिखाते हैं। सो वहाँ से वो दूर देख रहे हो, दूर से देखो यहाँ पे जबड़ा, देखो जबड़ा, देखो बस जबड़ा ही जबड़ा, मतलब यहाँ पे कोई साफ नहीं करता है। और जितना भी जबड़ा होता है ना, और यार जितना भी जबड़ा होता है लोग आके यहीं फेंक देते हैं, मतलब बोलते हैं कि इंडिया मेरा देश है लेकिन इंडिया को कोई दिल से अपना देश नहीं मानता है। यार मैं फिर से आप लोगों से बता देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से किसी को टारगेटेड नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मतलब किसी को बेइज्जत करना नहीं है, बस हम भारतवासी है इस कारण हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है हमारे भारत में अगर कुछ गलत हो तो हमें दिखाना। तो भैया बस इसलिए बना रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी जाति, किसी भी संस्था या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को बेइज्जत या नीचा दिखाना नहीं है। आपको क्या लगता है इस गंदगी से कोई बीमारी नहीं होगी? यार कोरोना से बाद में लोग अफेक्टेड होंगे, पहले तो डेंगू मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी से लोग अफेक्टेड होंगे। सो भैया हमसे जितना होगा हम करेंगे। और सो गाइस यहाँ पे लेटरा देख रहे हो, कितना लेटरा है यार, कसम से यार यहाँ पे साफ करते करते कहीं हम बीमार ना हो जाए। कोई नहीं, अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सो भाई काम स्टार्ट करने से पहले एक बार वंदे मातरम, वंदे पूरी दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा गाइस यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे लोग देखा हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब मेहनत बोल सकते हो जो साफ कर रहे हैं। यहाँ पे एक अंकल थे, हम लोगों को चार पांच बोतल पानी दिया, ठंडा ठंडा पानी लेते समय मैंने अंकल को थैंक यू बोला, फिर भी वीडियो में ऑन कैमरा उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। यार हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो यार ऐसे अच्छे अच्छे लोग रहेंगे ना तो कसम से बता रहा हूँ एक हफ्ते में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यार सबको एकजुट होकर सबको काम करना होगा। यार हमने अंकल से पानी नहीं मांगा पर अंकल ने देखा हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उन्होंने ठंडा चार पांच बोतल पानी दिया। यार यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो ये नहीं कह रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस हमें ये बुरा लगा, यहाँ पे बहुत गंदगी है इसलिए हम साफ कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से किसी को नीचा दिखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा होगा कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो यार मेरा इस वीडियो को बनाने से कुछ ऐसा कुछ मतलब नहीं है, मतलब कुछ ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो बस थैंक यू अंकल आपने पानी दिया और बाकी हम चलो पानी पी के काम करते हैं। सुनो
मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो। सो गाइज फाइनली हमसे जितना हो पाया हमने बहुत सफ़ा किया यार, हमने अपने एरिया को पूरा सफ़ा किया, लगभग 1 किलोमीटर तक हमने पूरा सफ़ा किया। और गाइज इसमें अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो यार छोटा भाई या दोस्त समझ के माफ़ कर देना यार। यार मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से किसी को नीचा दिखाना या किसी को बेइज्जत करना नहीं था यार। हम हिंदुस्तानी है और हमें अगर कुछ गलत दिखता है तो हमें उसके ऊपर बोलने का पूरा अधिकार है। सो ये चीज़ बहुत गंदा है यार। यार रास्ते में इतना गंदगी फैला होगा तो यार बहुत बीमारी हो सकता है यार, ये सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है यार। अगर यार इंडिया को अगर सच में आप अपना भारत देश मानते हो ना, तो इंडिया को बढ़िया से सफा करके रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो यार जैसे हम अपने घर को पूरा साफ सुथरा से रखते हैं ना, इसी तरह हमें इंडिया को भी अपना साफ सुथरा से रखना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है यार। ये नहीं बोल रहा हूँ आप रोड में मेरे तरह निकल जाओ और झाड़ू उड़ू लेके साफ करो, बस अपना अपना घर का एरिया जो होता है ना, अगर आप अपने घर के एरिया को साफ करने लगोगे ना, तो यार मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पूरा इंडिया क्लीन हो जाएगा। सो यार जितने लोगों ने आज 15 अगस्त के दिन में अपने व्हाट्सएप या फेसबुक में स्टेटस लगाया होगा ना, तो यार मैं उनको कुछ खराब नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बस इंडियन होने के लिए इंडिया में रहना जरूरी नहीं है, इंडियन होने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए और इंडिया को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। तो बाकी सब बढ़िया है यार, हमसे जितना हो पाया करने की पूरी से पूरी कोशिश की और हमने अपने से पूरा बेस्ट दिया यार, अपना 100% दिया। और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें अपना छोटा भाई या दोस्त समझ के माफ़ कर देना।
तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से किसी को नीचा दिखाना है, किसी को बेइज्जत करना नहीं था। अगर आपके एरिया में अगर ड्रेन या फिर कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए एक्शन लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा एरिया गंदा रहेगा ना तो इनडायरेक्टली हमें भी बीमारी होगा। और आपको पता ही है ना, कोरोना से हम बाद में इफेक्टेड होंगे, इतना गंदा, इस गंदगी से हमें डेंगू मलेरिया और न जाने कितनी बीमारी हो सकती है। तो यार इस एरिया को हमें साफ रखना हमारा कर्तव्य है। तो बाकी सब बढ़िया, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने भाई लोगों से मिलवा दे रहा हूँ जो आज हमारे इस वीडियो को मुमकिन करने में हमारा हेल्प किया है। बोल दो यार। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो अभिजीत है इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डांस बहुत अच्छा करता है, अगर आपको डांस में इंटरेस्टेड हो या फिर डांस देखना है तो एक बार जाके विजिट कर लेना चैनल को। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, बाकी सब बढ़िया है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी यंग, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, क्लीन योर एरिया, चिक चिक।